नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील पेंटर और आप देख रहे हैं YouTube चैनल सुनील आर्टेक। दोस्तों, हमें सोच होती है एक न एक दिन कि अच्छा घर बनाएं और उसमें बाहर की ओर हम महंगाई को देखते हुए आजकल के डेट में, आजकल के समय में अक्सर लोग लोहे की दरवाज़ा लगाते हैं इस तरह का, और अपने अपने चॉइस के हिसाब से डिज़ाइन बनवाते हैं, अपने पसंद से प्यारे से दरवाज़ा बनवाते हैं, तो उसको हम कई तरह का इसमें गलती करते हैं उसमें पेंटिंग के बारे में, तो उसी के बारे में आप सभी को बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक ताकि आपको अच्छे से अच्छी जानकारी मिल सके, और ये वीडियो खास करके सभी को जानने लायक है, खास करके मकान मालिक हो या ठेकेदार हो, ठेकेदार को अक्सर देखना चाहिए इस वीडियो को ताकि उसका पैसा बचे, जो मजदूर लगते हैं उसका एक दो दिन का मजदूर बचे, मजदूरी दर बचे उसको, और जल्दी से पेंटिंग हो सके। और बिना प्लास्टर के बाद हम बिना प्राइमर लगाए हुए, बिना रगड़ घस किए हुए, बिना सिरसपत्ता हम लोग बोलते हैं अपने इधर इलाका में सिरसपत्ता, तो बिना रगड़े हुए एकदम इस तरह से चकाचक दरवाज़ा रहेगा, तो उसी के बारे में आप सभी को बताएंगे। तो इसमें आप वीडियो में बने रहिएगा, आपका एकदम प्राइमर सेफ रहेगा। दोस्तों, जब भी मेरा घर प्लास्टर होता है तो हम कई बार हम ये दरवाजे लगाते तो हैं अच्छा से, लेकिन उसमें एक चीज़ गलती करते हैं, उसमें ये दरवाज़ा जो है उसको ऐसी छोड़ देते हैं और उसमें कुछ नहीं करते हैं, बस प्लास्टर का काम हम चालू कर देते हैं और उसमें बाद में हमको कई तरह का झेलना पड़ता है इसमें प्राइमर लगवाने के लिए, दो दिन तीन दिन भी लग सकता है इसको। मेरा तो छोटा दरवाज़ा है तो उसमें ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, लेकिन हम इसमें प्राइमर भी नहीं किए और रगड़े भी नहीं, ऐसे ही मेरा है दरवाज़ा जो कि अभी देख रहे प्राइमर किया हुआ है। तो कैसे हम किए उसको हम आपको सभी को बताएंगे। तो सबसे पहले आप प्लास्टर जैसे मेरा काम चालू होता है, दरवाज़ा को हम उससे पहले हम प्राइमर मारेंगे ताकि मेरा दरवाज़ा सेफ रहे और सुरक्षित रहे, और ज़्यादा इसमें कितना भी पानी पड़े इसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए दिखाते हैं, आप सभी का घर में ऐसे साड़ी तो होगा ही, साड़ी नहीं होगा तो तिरपाल या कोई प्लास्टिक वगैरह ऐसे इसको इस तरह से ढक लेना है। देखिए जैसे लंबा साड़ी है, देखिए प्लास्टर होने से पहले इस तरह से हम ढक लेंगे ताकि मेरा दरवाज़ा जो है सुरक्षित रहे और इसमें चाहे जितना भी पानी पड़े या कुछ भी पड़े इसमें प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ हम करेंगे कि दुकान में जब भी हम दरवाज़ा मंगवाते हैं तो दरवाज़ा लगवाने से पहले प्राइमर कर लेंगे, उसमें जंग ये सब वगैरह का थोड़ा कम रहता है तो उसमें मेहनत कम लगेगा, प्राइमर मार लेंगे उसमें पहले। और अगर गेट मतलब ये जाम लगाने से पहले ही हम करेंगे वो चीज़ तो अच्छा रहेगा, और अगर उसमें जाम हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो इसे जाम करके ही पहले हम उस फर्स्ट बार हम प्राइमर मारेंगे। तो प्राइमर मार के हम जब भी हम काम प्लास्टर का काम चालू करेंगे तो इस तरह से हमको ढक लेना है, या कोई चीज़ भी से तिरपाल हो या प्लास्टिक हो या साड़ी हो, साड़ी अक्सर करके हर घर में रहता है तो उसमें हम ढक लेंगे। और इसके बाद मेरा जो काम चलेगा वो चाहे कितना भी इसमें मसाला इसमें गिरेगा चाहे कुछ भी होगा इसमें पड़ने वाला नहीं है, इसमें इस तरह का पैक रह जाएगा, इसको इस तरह से रस्सी से कहीं कहीं बांध लेंगे इसे, तो मेरा जो दरवाज़ा है वो सेफ रहेगा। दोनों दरवाज़ा को इसे पूरा ढक लेना है, दो साड़ी लेना है, दोनों दरवाज़ा को इस तरह से ढक लेना है दोनों तरफ से, ऐसा पूरा मतलब पैक कर देना है। प्लास्टर हो जाएगा इसके बाद हम डायरेक्ट इसमें पेंट का यूज कर सकते हैं, और इसमें पता ही है कि लेबर का चार्ज और लेबर का खर्चा मेरा इसमें बचेगा ही एक दो दिन, और अगर नहीं हम करते हैं तो इसमें देखिए जितना भी छोटा छोटा जो डिजाइन है इसमें घुस जाता है मसाला वगैरह, तो इसमें छुड़ाने में बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब छूटता है लेकिन उसमें अच्छा से नहीं छूटेगा, इसमें घुस जाएगा तो फिर अच्छा से नहीं छूटेगा, बहुत मुश्किल होता है। देखिए इसमें हम कलर करेंगे गोल्डन ब्राउन करेंगे और इसमें क्रीम कलर करेंगे, इसके बाद फिर ये सब अलग अलग कलर भरेंगे, और इसमें जो है इसमें ब्लैक से इसे बॉर्डर देंगे, तो कलर में ही आपको पूरा बताएंगे कैसे कैसा कौन सा पेंट यूज़ कर रहा हूँ।
तो वीडियो में बने रहिएगा। बस दोस्तों इतना ही सा काम के लिए हमें झेलना पड़ता है बार बार, ये चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक, और चैनल में आए हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और जितना भी दोस्तों के पास आप शेयर कर सकते हैं उतना कर सकते हैं।